दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे आप अपने सब्सक्राइबर को हाइड कैसे करेंगे। यदि आप नए क्रिएटर हैं, अपने सब्सक्राइबर को आप हाइड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइबर को हाइड करने से बहुत सारे फायदे हैं। यदि आपके चैनल पर कोई नया पर्सन विजिट करता है और देखता है कि आपके सब्सक्राइबर कम है तो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। यदि आपका सब्सक्राइबर हाइड रहेगा तो उसे नहीं देखेगा और आपका कंटेंट अच्छा लगेगा तो आपको सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को शुरू करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम नितिश, स्वागत आपका टेक क्वेरीज के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। तो चलिए हम क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में लिखना है m.youtube.com या इधर कहीं आपको YouTube दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। तो चलिए मेरा यहाँ पर YouTube है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कॉर्नर में लोगों का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लोगों पर क्लिक करने से पहले सबसे पहले दोस्तों आपको इसे डेस्कटॉप साइट में चेंज कर लेना है। चलिए हम इसे डेस्कटॉप साइट में चेंज करते हैं। तो दोस्तों डेस्कटॉप साइट में चेंज करने के लिए इसे आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट को चेक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप साइट में चेंज हो जाएगा। तो अब आपको क्लिक करना है अपने लोगो पर। तो चलिए हम इसको क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा योर चैनल, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक और ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कस्टोमाइज चैनल का। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है कस्टोमाइज चैनल पर। चलिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों ये ओपन होगा मेरा YT स्टूडियो को छोड़कर YouTube स्टूडियो जो कि क्रोम का है इसमें ओपन होगा। देख सकते हैं ये ओपन हो गया। दोस्तों यहाँ पर ओपन होने के बाद आपको एक नीचे का अब तरफ ऑप्शन दिखाई देगा, जूम करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग का आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा एक ऑप्शन चैनल पर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एडवांस पर क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि सब्सक्राइबर काउंट, यदि आप इसको चेक कर देंगे तो आपको सब्सक्राइबर है वो हाइड नहीं होगा। देखिए ये मेरा ऑन चेक है जिससे कि मेरा सब्सक्राइबर हाइड है। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका सब्सक्राइबर काउंट होने लगेगा, यानी कि आपको दिखाई देने लगेगा। तो आपको इस पर चेक पहले से क्लिक होगा, ऐसे आपको इसको ऑन क्लिक करके यहाँ से आपको सेव वाले ऑप्शन पर सेव कर देना है तो आपका ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर पाए होंगे। यदि आपका YouTube से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका वीडियो जरूर बना दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।